पानीपत में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी भी जगह लूट की घटनाएं अब आम हो चली हैं। इसी कड़ी में पानीपत बस स्टैंड पर खड़े एक व्यक्ति पर 3 बदमाशों ने हमला बोल दिया और मोबाइल फोन के साथ 40,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। पानीपत के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति पर 3 थ्री व्हीलर सवार लोगों ने जानलेवा हमला कर उससे 40,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। बदमाशों ने व्यक्ति को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया और व्यक्ति पूरी रात खून से लथपथ पड़ा रहा। सुबह पुलिस की सूचना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज किया गया। 150 रुपए में उनकी बात हुई और 150 रुपए की बोतल मैंने दे दी। माचल बच्चे हैं भाई, ऐसे घूमते ही हैं स्कूटर में दिन भर। माचल मेरे पास दे दिए, मैंने 150 की बोतल लिया के दे दी उनको देसी की, और मैं अपनी बोतल ले रहा था साथ में सील बंद। वह मैंने खोली, एक दो पैग मैंने पिया, वह मेरे वाली भी पी गए सारी वह, और वह भी पी गए। और फिर मेरे को नो बोले वहाँ को तो जाम लगता है, सेक्टर में ले गए, उस सेक्टर में घुमा कर और वहाँ जाम कन मारा मेरे को, बिंडे मारे और चक्कू मारे, चक्कू से खिया उनको, सोची मर गया यो महसवान गांव में कोई, वहाँ छोड़ दिया मेरे को, मर गया, सड़क के किनारे डाल दिया। सोनीपत के मुहाना गांव के रहने वाले उमेद सिंह ने पानीपत के बरसत रोड इलाके में गोदाम किराए पर दिया हुआ है। उमेद किराया लेने पानीपत आया था और किराया लेकर वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर थ्री व्हीलर किराए पर लेकर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में थ्री व्हीलर सवार 3 लोगों ने उसे दूसरे रास्ते पर ले जाकर तेज धार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और सड़क किनारे फेंक दिया। इस दौरान बदमाशों ने व्यक्ति से 40,000 नकदी, 2 मोबाइल और अन्य जरूरी सामान लूट लिए। पीड़ित घायल हालात में पूरी रात खून से लथपथ पड़ा रहा। लूट के इरादे से 3 बदमाशों की ओर से किए गए इस हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया और शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।